नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। दारोवेड़ा नपा चेयरमैन विवाद, कोर्ट से राहत मिलने पर कंवर ने ताज के आस में बदला पाला। अरविंद को छोड़ केंद्रीय मंत्री के लिए शरण, विरोधियों की सक्रियता देख कोर्ट का फैसला आने के 4 दिन बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मिलने दिल्ली पहुंचे कंवर सिंह। बुधवार को फिर होगी हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई। टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के पूर्व कोच उवे हान को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। AIF के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने इस बात की पुष्टि की है। दरअसल फेडरेशन उनके प्रदर्शन से खुश नहीं है, इसके साथ ही उनकी बर्खास्तगी की एक और वजह सामने आई है। बता दें कि इसी साल जून में उन्होंने AFI और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी। वहीं AFI ने कहा है कि वह जल्दी 2 नेशनल कोचों की नियुक्ति करेगा। कार्यक्रमों से किसान आंदोलन को मजबूत करने की तैयारी। 22 व 23 सितंबर को टेकरी बॉर्डर पर कबड्डी मुकाबला। मौसम में नरमी आने के बाद बॉर्डर पर फिर से किसानों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। किसानों ने कहा है कि मुजफ्फरनगर महापंचायत और करनाल पंचायत ने सरकार को हिला दिया है, हमने सेमीफाइनल जीत लिया है, फाइनल मैच भी जल्द जीत कर अपने घर लौटेंगे। पंजाब रोडवेज कर्मियों के समर्थन में उतरे हरियाणा रोडवेज कर्मचारी, प्रदेश भर में किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर पंजाब रोडवेज PRTC पनबस के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल व आंदोलन के समर्थन में हरियाणा रोडवेज के सभी डिपो में 2 घंटे विरोध प्रदर्शन किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम महाप्रबंधकों को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार की हठधर्मिता व हरियाणा सरकार की निजीकरण नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिंगो बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोल सकते हैं किसान, प्रशासन के साथ बातचीत में मिले सकारात्मक संकेत। प्रशासन ने किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर कहा कि वे लोगों की परेशानी को देखते हुए GT रोड पर एक तरफ का मार्ग खोल दें। इधर किसानों ने प्रशासन के प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में करीब 9 महीने से धरनारत किसान सिंगो बॉर्डर को बंद करके बैठे हैं। GT रोड पर दिल्ली आवागमन का मार्ग बंद होने से न केवल स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है, बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को भी लंबा चक्कर लगाकर दिल्ली आगमन करना पड़ रहा है। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय ने जारी किया PhD व PhD रीअपीयर का परिणाम। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा शाखा ने PhD व आयुर्वेद का वार्षिक और PhD आयुर्वेद में रीअपीयर के विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया है। परिणाम विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड है, जहां से विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम की जांच कर सकते हैं। और मजबूत होगी सुनारिया जेल की सुरक्षा व्यवस्था, यहीं पर सजा काट रहे हैं राम रहीम और कई खूंखार बंदी। जेल की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा और चारों तरफ की निगरानी बढ़ाई जाएगी। बैरकों में बंद खूंखार बंदियों को एक दूसरी बैरकों में शिफ्ट किया जाएगा। मुख्य गेट समेत सड़क पर आसपास व जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। MDU एंट्रेंस टेस्ट अपडेट्स। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 21 से 23 सितंबर तक होगी सभी प्रवेश परीक्षाएं। इन प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम 25 से 27 सितंबर 2021 तक जारी किए जाएंगे। प्रवेश की पहली अंतरिम मेरिट सूची 28 सितंबर 2021 को लगाई जाएगी। हरियाणा में पंचायती चुनावों के लिए अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने अर्जी दायर कर कहा कि वह चुनाव करवाने को तैयार है, लिहाजा हाईकोर्ट इसके लिए इजाजत दे। हाईकोर्ट ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखे जाने के लिए उन्हें 11 अक्टूबर 2021 के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। आपके पास भी इस तरह के मैसेज आ रहे हैं तो सावधान रहें। बधाई हो, आपका लोन स्वीकृत हो गया है। स्टेटस जानने के लिए या खाते में राशि पाने के लिए लिंक पर क्लिक करें या फिर 10 मिनट में लोन पाने के लिए ऐप डाउनलोड करें। साइबर ठगों द्वारा इन दिनों लोगों के पास इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। साइबर एक्सपर्ट्स ने भी लोगों को इस तरह के झांसे में न आने की सलाह दी है। दरअसल आमजन की मेहनत की पूंजी पर हाथ साफ करने के लिए साइबर ठग कोई न कोई तरकीब निकालते रहते हैं।
इंटरकास्ट मैरिज करने पर 2.5 लाख रुपए देगी हरियाणा सरकार। अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज करने पर नव दंपति को मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत सरकार की ओर से अब 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इस योजना में अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की द्वारा गैर अनुसूचित जाति की लड़की या लड़के के साथ विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप राशि दी जाती है। इस योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले में पिछले 5 सालों में करीब 42 नव दंपतियों को प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। वैष्णो माता भक्तों के लिए खुशखबरी, उदयपुर सिटी से कटरा के लिए चलेगी जम्मू मेल एक्सप्रेस ट्रेन। वैष्णो माता भक्तों के लिए खुशखबरी है, रेल मंत्रालय द्वारा उदयपुर सिटी से कटरा के लिए सीधी जम्मू मेल एक्सप्रेस चलाई जाएगी। यह ट्रेन नारनौल स्टेशन से होकर गुजरेगी। रेलवे ने इसके आवागमन का शेड्यूल तय कर दिया है, लेकिन अभी इसके शुभारंभ की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। जम्मू मेल एक्सप्रेस उदयपुर सिटी से प्रातः 6:40 पर चलेगी तथा यह राणा प्रताप नगर, मावली जंक्शन, कासन, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भावनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रेंगस, नीम का थाना, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट से पुरानी दिल्ली जाएगी। पुरानी दिल्ली से यह ट्रेन चलकर बीच में कहीं और नहीं रुकेगी और सीधे माता वैष्णो देवी कटरा धाम सुबह 9:20 पर पहुंचेगी। उदयपुर सिटी से कटरा तक चलने वाली जम्मू मेल एक्सप्रेस कुल 1332 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पूरा विश्व कोरोना महामारी की 2 लहर झेल चुका है, अब भारत में 3री लहर भी दस्तक देने वाली है। मेडिकल साइंस से जुड़े वैज्ञानिकों ने लोगों से अपील की है कि जितना जल्दी हो सके प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन जरूर ले ले, 3री लहर जरूर आएगी। पीजीआई रोहतक में कार्यरत डॉक्टर रमेश वर्मा का कहना है कि 3री लहर उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगी जो लोग क्रॉनिकल बीमारी से पीड़ित हैं और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, इसमें चाहे बड़े हों या फिर छोटे बच्चे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कोरोना नियमों के पालन में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा यह लापरवाही उनके लिए घातक साबित हो सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत किसानों को साल में केंद्र सरकार की तरफ से 6000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार ये पैसे 3 किस्तों के जरिए डायरेक्ट बैंक में जमा करवाती है, लेकिन अब खबर है कि मोदी सरकार किसानों को मिलने वाली इस सुविधा को दोगुना करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6000 रुपए की जगह 12000 रुपए 3 किस्तों में मिलेंगे। अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि ऑनलाइन होगा। आपको बता दें कि सरकार किसानों के खाते में 4 महीने में 2000 रुपए की किस्त जमा करवाती है। पीएम किसान पोर्टल के अनुसार पहली किस्त दिसंबर से मार्च के बीच, दूसरी किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच और तीसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही हुकूमत कायम कर ली, 1 हफ्ते पहले सरकार का ऐलान भी कर दिया। इसका शपथ ग्रहण समारोह होगा या नहीं होगा, कब और कैसे होगा, ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में हैं। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि तालिबान के बड़े नेता कहाँ हैं और ये दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। हिब्तुल्ला अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है, वहीं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों ही अब तक कहीं नजर नहीं आए हैं। ब्रादर ने 2 दिन पहले ही 39 सेकंड के एक कथित ऑडियो टेप के जरिए खुद के सेहतमंद होने का दावा भी किया, परंतु अब इस टेप पर भी सवाल निशान लगने लगे हैं। कयास ये भी है कि तालिबान हुकूमत में शामिल हक्कानी नेटवर्क से झड़प में मुला ब्रादर मारा जा चुका है या फिर गंभीर रूप से घायल हो गया है। सुप्रीम लीडर हिब्तुल्ला अखुंदजादा के बारे में भी तालिबान ने कहा था, सुप्रीम लीडर अखुंदजादा जल्द ही दुनिया के सामने आएंगे। 15 दिन पहले दिए गए इस बयान के बावजूद वो अब तक नहीं दिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक अखुंदजादा भी या तो मारा जा चुका है या फिर गंभीर रूप से बीमार है। अगर ऐसा नहीं है तो वह अब तक सामने क्यों नहीं आया है। कतर की राजधानी दोहा में भी उसका अता पता नहीं था।